अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, हैलिडे, रेसनिक, वॉलकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 16, वेव्स 1 है, प्रॉब्लम 41 है। एक स्ट्रिंग फिक्स्ड है जिसके दोनों एंड्स पे आप 8.4 मीटर की लंबाई की रस्सी है, मास उसका 0.12 केजी है, उसके अंदर जो तनाव है, टेंशन है 96 न्यूटन की है, उसको ऑसिलेटिंग पे डालते हैं। वो कहता है स्पीड ऑफ द वेव बताओ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव बताओ, यानी लॉन्गेस्ट पॉसिबल वाले की वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। अब जनाब रस्सी में जो तनाव है, हम जानते हैं कि टूल होता है टेंशन ओवर लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो टी एल बाई एम आ जाएगा। अब हमें टेंशन भी पता है, हमें लेंथ भी पता है, हमें मास भी पता है, सारी वैल्यूज डाल देंगे तो ये 82 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर क्या जी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एन वन होगा, तो वन यानी इंटीग्रल पहली वेव, अगर हम देखें तो आप एन की जगह वन लगा दे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2L के। अब लेंथ हमें पता थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.8 मीटर हो जाएगा। अब हमें वेवलेंथ भी पता है, तो हमें वेलोसिटी भी पता है, तो फ्रिक्वेंसी निकाली जा सकती है। अब हम जानते हैं कि स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है, चाहे वो एक आप पहली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखो, चाहे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखो, वो चलेगी इसी स्पीड से ही। तो अब आपके पास वेवलेंथ भी है, स्पीड भी है, हम जस्ट टूल ले लेंगे, वीजिकल टूल लैम्डा एफ, यहाँ से एफ निकालना होगा तो 82 डिवाइडेड बाय 16.8 तो 4.88 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।